राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आपको बताऊंगी गांव में खिचड़ी कैसे बनाते हैं। और मैं बनाने वाली हूँ चावल, मोठ, मूंग की दाल और चने की दाल, उस सब की मिक्स में बनाने वाली हूँ चावल के साथ इनकी खिचड़ी सबकी। हमारे यहाँ पर रोज ही किसी चीज़ की खिचड़ी बनती रहती है। कभी मेथी की खिचड़ी बनती रहती है, कभी मूंग की खिचड़ी बनती रहती है, कभी बाजरे की खिचड़ी बनती रहती है। इसलिए आज मैं आपको खिचड़ी बनाना बताऊंगी। खिचड़ी बनाने के लिए मैं गोबर के कंडे लेने जा रही हूँ जो सूख के तैयार किए गए हैं हमारे। ये देखो, ये यहाँ पर रहे। चलो आरू डालो इसको, हमें खिचड़ी तैयार करनी है ना, हमें खिचड़ी बनानी है। ओके, अरे आरू रुक जा मेरे बाबू। इसमें से सूखे सूखे कंडे ले लेती हूँ मैं खिचड़ी बनाने के लिए। ये आरू तो उधर से गिल्ले लेके आ रही है, ये तो भी बच्चा है, इसको क्या पता रहता है। ए आरू, क्या ला रहा है? सर्दियों में खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। आरू क्या लेके आया है तू? आरू को कल फीवर हो गया था, आज इसको दवाई देने के बाद ये ठीक है, तो मेरे साथ काम कर रही है, घूम फिर रही है अच्छे से। ये लेके जाएंगे बेटा, अभी खिचड़ी बनानी है ना हमें। चलो आरू बोल रही है मैं लेके जाऊंगी। ये मैंने खिचड़ी बनाने के लिए कंडे ले लिए हैं, यह आरू तो पहले ही चल दिए। हमारी भाषा में इनको काचा बोलते हैं। ये हमारी खिचड़ी बनाने का कला है। इसमें हम दूध गर्म करते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। हमने पहले तो इसमें दूध गर्म कर लिया है। ये देखो हमारा दूध गर्म, पूरी अच्छी तरीके से हमारा दूध गर्म हो गया है। इस पे बहुत अच्छी तरीके से मलाई आ गई है, आप देख सकते हैं इनको वीडियो में। ये हमारी गोरी गाय का दूध है, तो इसको तो उतार के हम साइड में रख देते हैं। ये दूध तो गर्म इसमें हो गया है, तो इसमें थोड़ी बहुत तो आग है इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम कंडे डाल देते हैं और फिर हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी इसमें। हम जलाने के लिए इनमें आग डाल देते हैं। ये हमारे कंडे अंदर आ गए हैं पूरे, और अब इसमें आग लगाने के लिए हम ये चूल्हे में से कुछ डाल देते हैं इसके अंदर, इससे ये जल जाएंगे अभी खिचड़ी बनाने के लिए। अभी देखो धुआं निकलने लग गया है, ये जल के तैयार होते हैं, इनसे आग बनती है, इसमें हम खिचड़ी डाल देते हैं। ये खिचड़ी बनाने के लिए मैं मूंग की दाल ले रही हूँ। मूंग की दाल आज इतनी है और बनानी पड़ेगी हमें। इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी मिक्स की हुई है, ये मूंग की दाल ले लेती हूँ। और ये मोठ की दाल है, इनसे खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। ये हमारी मोठ की दाल है, इनसे खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये देखो मूंग की दाल डाली है, मोठ की दाल डाली है और चने की दाल डाल ली है इसमें। और ये थोड़े चावल ले लेती हूँ मैं। क्या करेगा इसमें खाने के तेरे को? ले हैप्पी, ये ले ले तो। ओके, ये चावल ले लेती हूँ मैं। ये इतनी खिचड़ी में इतने चावल काफी होते हैं। ये पूरा सामान तैयार हो गया है हमारा, दाल भी डाल ली है, चावल भी डाल लिए हैं। और अब इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के लिए पानी डाल रही हूँ। इसका ये ऊपर का पानी है, इसको निकाल देती हूँ और थोड़ा पानी और डाल लेती हूँ इसके अंदर, इसको वॉश करने के लिए।
ऐसे मिक्स करके इनको पूरे को वॉश करूँ। ये हमारा मिट्टी का बर्तन है, हम रोज़ इसमें खिचड़ी बनाते हैं, इसलिए यह आग काला हो गया है, देखो बनते बनते आग से। और ये इसमें डाल लेती हूँ, रोज हम इसी में खिचड़ी तैयार करते हैं। ये डाल लिया इसमें, अब इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ। ये पानी डाल के हमारी चूल्हा है इसमें रख देती हूँ, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये धीरे 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 बन के तैयार हो जाएगी हमारी खिचड़ी। इसमें इतना पानी डाल लिया है, खिचड़ी बनने जितना पानी डाल लिया है मैंने इसके अंदर, और अभी इसको मैं रखने वाली हूँ इसके अंदर। ये देख सकते हैं इसमें पूरे जल रहे हैं, ये देखो अपने आप इसमें आग लग गई है, और ये कंडे एक एक करके पूरे जल रहे हैं। तो ये इसके अंदर रख देती हूँ, ये मैंने इसके अंदर रख दिया है, और ये अभी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। ये दूध जो हमारा गर्म किया हुआ है इसको हम अंदर लेके जाती हूँ, किचन में लेके जा रही हूँ इसको। वो आरू बुला रही है मुझे, कैसे बुलाती है मम्मा को? तुम मम्मा को कैसे बुलाती है? चलो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे ठंडे होने के लिए रख दिया है दूध को। हम इनका दही बनाएंगे, हम इस दूध का दही बना इनका मक्खन बना लेंगे। गायों को पानी पिला के आ जाते हैं। आजा आरू गायों को पानी पिला के आए, चल रही है क्या? चल रही है मेरे साथ, आजा गायों को पानी पिला के आ जाए क्या हम? चलो हमारा गायों को पानी पिलाने का काम तो हो गया है, अब हम हमारी खिचड़ी को देखते हैं। खिचड़ी में डालने के लिए मैं नमक लेके आई हूँ, और ये खिचड़ी को देखते हैं हमारी कैसी कितनी बनी है, इसको देखते हैं। और वो चम्मच लेके आ जाओ, इसमें नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें। ये इतना नमक डाल दिया है मैंने, ये लो। अब इसको चम्मच से हिला के देखते हैं, इतनी देर तक हमें कुछ भी नहीं किया है इसमें। अब इसको चम्मच से मिक्स करते हैं, और ये देखते हैं हमारी खिचड़ी। ये इन खिचड़ी को बनने में लगभग 10 मिनट और लगने वाले हैं, और हमारी खिचड़ी बनके 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखो हमारी खिचड़ी। तुम्हारी केक का है ये, खाएगी क्या तू? खाएगी? और बोल रही है मुझे खिचड़ी खानी है, अभी खानी है। इसका कलर चेंज करने के लिए हम इसको थोड़ी इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं, तो इसका कलर येलो हो जाए। और हल्दी खाने में भी वैसे अच्छी होती है, हेल्दी होती है, हल्दी खाना भी हेल्दी होता है। ये लो हल्दी लेके आए क्या हम? ले हल्दी ले लो, चलो हल्दी लेके आए क्या हम? मेरी माँ के अंगूठे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उंगली भी बहुत बड़ी है, और ये माँ अंगूठा दिखा जी, ये देखो दोनों अंगूठे देखो, माँ के बहुत बड़े बड़े अंगूठे हैं, इतने बड़े अंगूठे होते ही नहीं है किसी के। ये देखो इतना अंगूठा है। काम कर करके ये घस चुके हैं, माँ बहुत पड़ती थी पहले। मंडे, को माल मंडियो।
माँ बता रही है कि मैं जब पेंसिल लेने जाती हूँ ना बैंक में, तो जब अंगूठा लगाती हूँ ना तो बैंक मैनेजर हंसता है। मुको मारा यहाँ का ही है आरो तभी नहीं सिया ही ये रेखा और आरू हल्दी लेके आ गए हैं। अब ये हल्दी ऐड करेंगे। चलो खिचड़ी में डाल देना हल्दी आरू हल्दी देख तो खिचड़ी में तू डाल दे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसलिए ये भी ये बहुत लो। ही हाँ डाल दे पौष्टिक होता है। डाल दे अरे आरू डालेगा? आरू मैं डाल दूँ फिर तो? चलो 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 अरे ओके आरू ये बहुत बदमाश हो गया। गंदी काम करती है देखो ये लो हमने खिचड़ी में हल्दी ऐड कर दी है तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज आ गया है। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया है देख सकते हो आप, इसका येलो कलर दिखने लगा ना अभी। चलो अब इसको वापस रख के आते हैं ना। हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो चुके है, अभी देख लेते हैं इनको। और ये हमारी खिचड़ी पूरी तरह से बनके तैयार हो गई है। देखो हल्दी डालने से इनका कलर अच्छा लगने लगा है, ये देखो कलर। अब इसको निकाल देते हैं और आरू को डालेंगे खिचड़ी। ओके सबसे पहले तो आरू को ही मिलेगी। वाह आरू के लिए खिचड़ी है, आरू के लिए खिचड़ी है। आरू खिचड़ी को लेके कितना हैप्पी हो जाता है आरू। ये लो तेरी खिचड़ी। अब हम मैं सबके लिए खिचड़ी को थाली में डाल लेती हूँ। ये हमने खिचड़ी थाली में डाली है, खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब आने वाला है खाने में मजा। ए यार ये लो हमारी खिचड़ी तैयार है। अब लास्ट में मेरे लिए डाल लेती हूँ इसके अंदर। मेरी आरू तो खाने ही लग गई खिचड़ी अपने आप ही खाने लग गई। अब खिचड़ी घी डाल देते हैं। थकड़े में डालने का घी ना, घी डाल के खाते हैं तो खिचड़ी का मजा ही कुछ और होता है। ये माँ के लिए है, इसमें मैंने घी डाल दिया है। ये देखो ये हमारी गोरी गाय का ये घी है रहे हैं तो इनको घी नहीं डालेंगे। आरू अपने आप ही खा रही है आरू अपने आप खाने में लगी है। आरू खा ले आरू बच्चा। अच्छी बनी है क्या? अच्छी बनी है क्या आरू? खिचड़ी अच्छी बनी है? यम्मी यम्मी है क्या आरू? यम्मी बताओ, यम्मी कैसे होती है? ऐसे होती है यम्मी। ये थोड़ी ठंडी हो जाए इसके बाद में हम इस पे चीनी डाल के खाएंगे। इसमें आप शक्कर डाल के भी खा सकते हो, चीनी डाल के भी खा सकते हो, गुड़ डाल के भी खा सकते हो, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे खा सकते हो आप इसको। ये देखो ठंडी कर रही हूँ मैं थोड़ी। ये हमने जो दाल डाली थी वो अलग अलग दिख रही है इसके अंदर। अरु माँ को बोल दो खिलो। माँ माँ को आवाज लगाओ बेटा। अरु माँ को आवाज लगा माँ को आवाज लगा तो अरु माँ को आवाज लगा, माँ को बोलो खिचड़ी खा लो। माँ चम्मच से नहीं खाती है, हाथ से ही खाती है। ये माँ के लिए लेके आई हूँ मैं खिचड़ी और माँ को यहीं पे दे रही हूँ। माँ धूप में बैठी है, धूप में खिचड़ी का मजा लेगी अभी।
और माँ खाके भी बताएगी हमारी खिचड़ी कैसी बनी है। ले तेरे मेरी वाली में से डाल दूँ तेरे को। ओके ये रहा, माँ के पास लेके जाएगी क्या? आरो अपनी माँ के पास जा रही है, माँ के पास जा रही है, तेरे चेयर लेके आ जाए यहाँ पर। अब माँ के पास बैठ के खाता है मेरा आरो, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। आरो कैसे खाता है पापा को बताओ ऐसे। ये देखो मैंने घी चीनी को पूरा मिक्स कर लिया है, ये देखो। अब मैं आपको खाके बताती हूँ कैसी लगी है। वाव, हमारी खिचड़ी बहुत खिचड़ी बनी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है हमें ये खिचड़ी, और बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी भी है हमारी खिचड़ी, बहुत अच्छी है।